हम बनाने जा रहे हैं फ्राइज, लेकिन आलू के नहीं, हम सब्जियों के फ्राइज बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जो बहुत वेट कॉन्शियस हैं वो भी ये खा सकती हैं, जितने खाना चाहे आराम से। जुकनी फ्रूट है या वेजिटेबल है, अब आप ये कितना ही खा लें तो आपको अपने वेट बढ़ने की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ शायस्ताज किचन, ब्रॉट टू यू बाय शफक। आगाज नई सुबह का एंड रू अफजा जिंदगी मुबारक। सही बोला है ना मैंने? बिल्कुल ठीक बोला है। अच्छा, आज हम क्विक जल्दी जल्दी जो बनाने जा रहे हैं वो बताती हूँ। हम बनाने जा रहे हैं फ्राइज, लेकिन आलू के नहीं, हम सब्जियों के फ्राइज बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके घर में मौजूद बच्चे भी इसको खाने की आदत डालें, या आप जो बहुत वेट कॉन्शियस हैं वो भी ये खा सकती हैं, जितने खाना चाहें आराम से। क्योंकि हम आलू के नहीं, हम बना रहे हैं दो वेजिटेबल के फ्राइज, मतलब आलू, मतलब जब वो फ्राई हो जाते हैं तो डबल ट्रिपल कैलोरीज हो जाती हैं, इसलिए हमने आज जुकिनी और ऑरेंज कैरेट यूज़ किया, और हमने काट उसी तरह से मोटा मोटा लिया है। बस मैं इसको मैरिनेट करूँगी, और वो कैसे करूँगी, ये हमने गार्लिक पाउडर, ये थोड़ी सी काली मिर्च, ये गया पिंक सॉल्ट, एंड दैट इज़ इट। ये तीन स्पाइसेस के साथ हमने मैरिनेट कर ली है जुकनी। और बाय द वे, मैं आपसे एक सवाल भी कर सकती हूँ, जुकनी फ्रूट है या वेजिटेबल है? अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा स्प्रे करेंगे शफक कुकिंग ऑयल, जो कि जिसमें क्या है, विटामिन ए डी एंड ई, और सबसे अच्छी बात, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ट्रांस फैट फ्री है। ये वही भली घंटी है जो मुझे मेरी टीम कहती है हमेशा, फौरन जैसे ही पीछे अपने टन और ऐसे ही मुस्कुराएं। मैं बता रही थी आपको कि ये तैयार हो गए हैं फ्राइज, लेकिन इसके साथ हमने जो इसकी डिप तैयार की है, ये देखिए आप, ये ग्रीक योगर्ट है जो कि ज़रा स्टूडियो की गर्मी में ज़्यादा पिघल गई है, और इसमें नमक और जो वाइट पेपर थी वो हमने मिलाया। अब आप ये कितना ही खा लें तो आपको अपने वेट बढ़ने की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। आइडिया गुड है ना? आइए अब चलते हैं मीठे की तरफ। ऐसा कैसे हो सकता है कि तीखा हो और मीठा ना हो? और ये बीच में मेरी टीम ने ऐसा कट लगाया, आपको पता ही नहीं चला यहाँ क्या हुआ। एक मिनट में टेबल साफ हो गई, फौरन चीजें आ गई, और ऐसा लगा जैसे हमने जादू कर दिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ रू अफजा फालूदा बनाने के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रू अफजा जिंदगी मुबारक। और बनाना इसमें कैसे है कि अगर आपके यहाँ कहीं से कुर्सियाँ आई हैं, और अगर नहीं भी आई तो आप खुद लाएँ, तो अक्सर एक दो साइड में पड़ी रह जाती हैं। इसमें एक या दो कुल्फी अगर आपके घर में पड़ी है कुल्फी फालूदा बनाने के लिए, तो उसमें आपने वो मिलानी है। अफजा फालूदा के लिए जो हम रबड़ी मिल्क बना रहे हैं, इसमें मैंने कुल्फी, कंडेंस मिल्क, क्रीम, फ्रेश क्रीम, और अब ये दो चम्मच ओके ठीक है, डन है। तो अब हम लगा दो भाई, ताकि मैं शू शू करके इसको कर दूं। ये रबड़ी मिल्क तैयार हो गया। अब हम करेंगे सबसे मज़ेदार पार्ट इस स्वीट डिश का, और वो है असेंबलिंग। पहले डालेंगे ये जो कलरफुल नूडल्स हैं, थोड़े थोड़े ये दोनों ग्लासेस में, यस रू अफजा जिंदगी मुबारक एक चम्मच, रू अफजा 110 साल से कस्टमर्स का फेवरेट, 35 से ज़ायद ममालिक में ये पिया जाता है, और ओके ये जो टच होता है अम्मी का, ये बड़े मज़े का टच होता है। ये वनीला आइसक्रीम, अब जो रबड़ी मिल्क था हमारा, जिसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऑलरेडी, जो बची हुई कुल्फियाँ थी वो, और फ्रेश क्रीम डाल के ये बनाया था, ब्लेंड किया था, साथ में ये गया रबड़ी मिल्क। भाई आज बड़ी बहस हुई है टीम की बेजल सीड्स और शिया सीड्स पे। ये देख लें भाई, ये बेजल सीड्स हैं जो कि शिया सीड्स से थोड़े से बड़े हैं, ये देखें।
बाय द वे मैदे के लिए बहुत अच्छे हैं, स्पेशली वो लोग जिन्हें मैदा रिलेटेड कोई भी इशू है वो अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सीरियल्स वगैरह। अच्छा, जब तक हर चीज़ ख़त्म ना हो जाए डालते रहें आप। ठीक है, अभी बादाम और रूह अफ़ज़ा बच गए हैं, रूह तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये आई डोंट माइंड पुटिंग लिटिल बिट मोर रूह अफ़ज़ा। कैमरा बंद करते हैं और झपटते हैं इसके ऊपर, बादाम भी पूरे करने हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। याद रखिएगा, हमने आज आपको दो तरह की चीज़ें खिलाई हैं, एक तो बिल्कुल ही हेल्दी फ्राइज, जुकनी फ्राइज और कैरेट फ्राइज, जिसमें कि ऑयल बिल्कुल कम इस्तेमाल हुआ, और इसमें हमने मीठा भर के डाला है। तो कभी कभी ज़िंदगी में तीखा कम और मीठा ज़्यादा हो तो क्या बात है, ऐसी ज़िंदगी की। बाय बाय।